आज सुबह से ही धार्मिक स्थलों पर प्रशासन से आदेश के अनुसार सोशल डिस्टेंसेस का पूरा पालन करते हुए शहर के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भक्तजनों को दर्शन की व्यवस्था की गई है। मंदिरों और अन्य जगहों पर सैनिटाइजर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। लोगों को बिना मास्क के मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है और पूजा अर्चना की मंदिर परिसर में मनाही है। लोगों को सिर्फ दर्शन करने की छूट दी गई है। कोई भी अनुष्ठान परिसर के बाहर करवाया जा रहा है। लेटे हनुमान पर सैनिटाइजिंग मशीन लगा दी गई है ताकि पूर्ण रूप से सेंटेंस होकर ही भक्तों मंदिर में प्रवेश कर सकें। अनूप सुंदरी मंदिर के बाहर प्रशासन की कड़ा व्यवस्था है, किसी को भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं करने दे रही है। मंदिर प्रशासन ने भी द्वार पर और दुकानों पर मुफ्त मास्क की व्यवस्था की है ताकि लोगों को प्रवेश करते वक्त यदि कोई मास्क नहीं लगाया हुआ है तो उसे मास्क मिल सके। लेटे हनुमान जी के महंत और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरी महाराज ने बताया कि शहर के सभी हनुमान मंदिरों में मुफ्त मास्क की व्यवस्था मंदिर प्रशासन और अखाड़ा परिषद की तरफ से किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के संक्रमण रूपी रोग मंदिर परिसर में प्रवेश न कर सके। सैनिटाइजिंग की पूरी व्यवस्था होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मंदिर परिसर के खुल जाने के कारण परिसर के अंदर के दुकानदारों के बीच में हर्ष का माहौल है, लेकिन बावजूद इसके यह भी देखा जा रहा है कि अब ही मंदिरों में लोग एक सीमित संख्या में ही पहुंच रहे हैं और लोग अभी भी मंदिरों में पहुंचने से डर रहे हैं। मंदिर प्रांगण लगभग खाली है, भक्त लगभग नदारद हैं और आशंका यह व्यक्त की जताई जा रही है कि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे परिस्थितियाँ बदलेंगी। कान हटा दें क्या? हाँ, उसमें जो लिखा होता भी आ जाएगा। ओम 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 व्योम सहुर्वा स्वात्रयम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्यवर्धनं मा उर्वारुक्मे बन्धना मिथोर्मुखी मां दालभूर्वा सरों व्योम सा ओम ओम त्रयम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्यवर्धनं दात् चाचा राम राम। आप उधर देखिए, चाचा राम राम।
काफ़ी दिनों बाद प्रशासन के आदेशानुसार मंदिर खुल गए हैं और भक्त लोग भी काफ़ी इंतजार कर रहे थे, तो हम सब से यही आग्रह और अनुरोध करते हैं कि सब मंदिर की व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग देवें। सभी प्रयाग के जितने निवासी हैं या बाहर से आने वाले जितने भी श्रद्धालुगण हैं, उन सब से ये अनुरोध है। दूसरा, हम लोगों ने निशान बना रखे हैं गोल गोल, हर 6-6 फुट के ऊपर एक निशान है, तो उसमें ही खड़े रहेंगे। पुजारियों के हाथ में ग्लव्स और मास्क हैं। गर्भगृह में किसी का ही प्रवेश वर्जित है। सिर्फ यहाँ प्रसाद को फूल ऊपर से दे दिया जाता है और बाकी श्रद्धालुओं को वापस प्रसाद रख दिया जाता है। अपने हाथ से वो उठाते हैं और अपने हाथ से ही रखते हैं। और बाकी सैनिटाइज की व्यवस्था है। कल परसों हर दिन मंदिर सैनिटाइज होता है। इस मंदिर निगम और प्रशासन का भी बड़ा सहयोग है और हर किसी को हाथों पर लगाने के लिए सैनिटाइज़र या जो भी साबुन वगैरह उसकी व्यवस्था है मंदिर की तरफ से। और बाकी हम अनुरोध करते हैं कि वृद्ध और छोटे बच्चे ये थोड़ा घर पे ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये श्रद्धालुओं के लिए ही ये व्यवस्थाएं हैं, तो श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वो व्यवस्था में पूरा सहयोग करें मंदिर प्रशासन। श्री महंत यमुनापुरी पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण। दस मई को शादी हुई थी, इस वजह से कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो पाया था। आज 28 दिन बाद मंदिर खुला हुआ है, इसकी वजह से जो है मंदिर परिसर दर्शन करने आया। आपका परिसर विकास कुमार के। 10 मई को हुई है, मंदिर नहीं खुलने की वजह से हम लोग दर्शन नहीं कर पाए थे, कोई भी धर्म काम कार्य नहीं कर पाए थे। आज 80 दिन बाद साल मंदिर खुला है तो हम लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं। मंदिर में दर्शन करके आपको कैसा लगा? इतने दिन बाद दर्शन करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा है कि लोग दर्शन कर पाए, दर्शन मिलने को करने को मिला, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। आपका परिचय? रितु केशवान। आज इतने दिन बाद आए, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत शांति मिल रही है, खुशी मिल रही है, सुकून मिल रहा है। लेकिन पूजा में आपने क्या क्या किया? अभिषेक किया, माता का दर्शन किया, पूरा टीका किया, मतलब उनका पूरा वो किया और शंकर जी का अभिषेक किया। आपका परिचय? रश्मि जसवाल, आतिश जसवाल। तो हम लोग एकदम बंधक बन के थे, कहीं बाहर भी नहीं जा सके। आज खुला तो हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब आस्था जो हम लोगों की थी उसमें भी ये एक बंधक बन गया था। आज खुला है तो थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि धर्म में भी आदमी थोड़ा बहुत ध्यान रख रहे हैं, आ रहे हैं लोग। अब हो गए, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ दुकान में थोड़ा बहुत चीज़ें रख के बैठे हैं। तो बिक्री कैसी चल रही है? बिक्री तो ना कि ही बराबर है अभी, पर जैसे मालूम हो रहा है तो लोग आ रहे हैं, कद्दू आ रहे हैं। तो जो अपने हैं वो तो कहीं जाते ही नहीं, चाहे जो कुछ रहेगा वही लेके जाते हैं। उस हिसाब से हम बैठे हैं हम लोग। आपका परिचय? जी, परिचय सुरेश कुमार तिवारी। वह बड़े हनुमान जी, लेटे हनुमान जो सो संगम तट पे प्रयागराज में स्थित है, वहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए, उसकी पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर खोला गया। सुबह प्रातः 5 बजे मंदिर का अभिषेक किया गया, कराने के बाद पूरे मंदिर की सैनिटाइज की गई, फिर भक्तों के लिए खोला गया। हर प्रवेश द्वार पे सैनिटाइज की मशीन लगाई गई है, हाथ धोने की व्यवस्था है और अगर मास्क नहीं हो तो मंदिर में उपलब्ध है, मास्क लोग ले सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सभी भक्तजनों से कि आप लोग मंदिर की जो भी बताई गई गाइडलाइन है उसका पालन करें, दर्शन करें। एक बात मैं कहूँगा कि भोग प्रसाद मंदिर में निर्मित है, उसके द्वारा भोग लगाएं, कहीं बाहर से भोग भंडार नहीं लावें, वो नहीं चढ़ाया जाएगा। ये लाइन लगा करके 5-5 6-6 व्यक्तियों को दूरी बनाते हुए दर्शन कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरी व्यवस्था गाइडलाइन के अनुसार ही चल रही है और आगे चलती रहे। खुलने से पहले कल पूरे मंदिर को सबसे पहले सैनिटाइजर किया गया है। इसके साथ ही आज सुबह प्रातः मंगला आरती के साथ माँ का दर्शन पूजन का प्रावधान रखा गया है। शंख और ध्वनि के साथ माँ की आरती हुई है और हमारे 7 वैदिक ब्राह्मण
वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां के मंगला आरती में शामिल होकर वैदिक मंत्रों से पट खुलकर भक्तों के दर्शनार्थ दर्शन के लिए मां का पट खुला है। इसके साथ ही यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए पूरे मंदिर परिसर में और मंदिर के बाहर भी सर्किल का बना दिया गया है और सभी भक्तों को गाइड किया जा रहा है कि एक एक करके आएंगे। इसके अलावा हम थर्मा स्कैनिंग मशीन भी रखी है यहां पर, जो कि सभी भक्तों को चेक करके यहां प्रवेश किया जाता है। आज पहला दिन मंदिर खुलने का है 80 दिन बाद, तो आज इस महामारी के निवारण के लिए जो भी ब्राह्मण हमारे बाहर थे आज सबको आमंत्रित किया है। सभी वैदिक ब्राह्मण आज से 7 दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने जा रहे हैं सभी भक्तों के कल्याण के लिए और मनो अभिलषित कामना सिद्धत के लिए, रोग नाश निवारण के लिए 7 दिन का ये अनुष्ठान यहाँ पर बैठाया गया है। और हम चाहते हैं इसी के माध्यम से कोरोना नामक इस महामारी का निवारण हो और माँ सभी को शक्ति प्रदान करें, स्वस्थ रखें। पंडित श्याम जी पाठक, कल्याणी देवी मंदिर, अध्यक्ष तीर्थराज प्रयाग।